यहाँ पे आए हुए। सेकेंड गुड न्यूज के साथ आ गया हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों आया हूँ और कहाँ आया हूँ, क्यों आया हूँ और कहाँ पे आया हूँ। हुंडई वत्सल हुंडई हजारीबाग झारखंड। और अगेन से गुड न्यूज, हमारा एक डायनेमिक लीडर फ्रॉम हजारीबाग झारखंड मिस्टर शशि प्रसाद। ये मिस्टर शशि प्रसाद अभी एक नया गुड न्यूज अभी इनका आने जा रही है, अभी तुरंत चंद सेकेंडों मिनटों में इनकी सेकेंड फोर व्हीलर हुंडई का क्रेटा जिसकी ऑन रोड प्राइस है 19 लाख रुपए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। 19 लाख रुपए की गाड़ी लेने जा रहे हैं, अभी डिलीवरी लेने जा रहे हैं। और आज से लगभग 4 महीना पहले, 3 या 4 मंथ पहले, 4 महीना पहले इसी हजारीबाग में थोड़ा दूर आगे में मैं लाइव किया था मिस्टर जितेंद्र प्रसाद जी का फॉर्चुनर है, फॉर्चुनर जिसकी कीमत 50 लाख रुपए ऑन रोड की गाड़ी उन्होंने लिया था। उन्हीं का भाई मिस्टर शशि प्रसाद, दोनों सगा भाई हैं और दोनों भाई मिलकर स्मार्ट वैल्यू में दो दो कार, एक फॉर्चुनर का ओनर और ये सेकेंड कार इनके आने जा रहे हैं। इनके पापा हैं, इधर आ जाइए शशि, ये शशि जी का पापा हुए, मम्मी जी हुई है, आ जाइए सामने आइए, और वाइफ हुई इधर आ जाइए, और ये जीजा जी हुए, जीजा जी हुए, दीदी किधर है, दीदी इधर है, अच्छा दीदी इधर है, और ये ससुर जी हुए है ना, भाई भांजा किधर है, आ जाओ यार, तीन भांजा है, साला भी है, वाह ये पूरा फैमिली बिजनेस है बॉस, क्या ये ये फैमिली बिजनेस, और ये साथ में स्मार्ट वैल्यू में ये हमारे देखिए कुछ हजारीबाग यूपी का ये चंदन त्रिपाठी है, पंकज त्रिपाठी है, और ये हजारीबाग के एसोसिएट लोग हैं। आ जाओ सामने, आ जाओ आप लोग, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए है ना। और ये देखिए केक कटिंग करने के साथ साथ अभी सेलिब्रेशन किया जाएगा, तो फटाक से केक कटिंग करके कर्टेन हटा के ना, पहले केक कटिंग करके कर्टेन हटा दिया जाए ना, तो फटाक से कटिंग किया जाए। ये देखिए दोस्तों स्मार्ट वैल्यू का करिश्मा देखिए कि स्मार्ट वैल्यू में अगर आप लगे रहेंगे, बढ़िया से कार्य करेंगे, तो एक गाड़ी नहीं दो दो गाड़ी का ओनर बनेंगे और अपनी मम्मी पापा को खुशी दे पाएंगे। देखिए शशि मम्मी पापा केक कटिंग कर रहे हैं, वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तालियां तालियां तालियां, ऐसी ही खुशी अपने मम्मी पापा को देना है, वाह। कितने लोग ऐसा खुशी अपने मम्मी पापा को देना चाहते हो, देख रहे हैं आप लोग भी कमेंट करो कि हम भी अपने मम्मी पापा के हाथों से केक कटिंग कराएंगे और अपने गाड़ी में बैठाएंगे और खुशियां देंगे। वाह क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ। और इधर हमारे डायनेमिक लीडर एटम बम ऑफ स्मार्ट वैल्यू, बॉम्ब है, बॉम्ब, एटम बॉम्ब, ऑलवेज फटते रहता है, एटम बॉम्ब ऑफ स्मार्ट वैल्यू मिस्टर मुरली राज, इनकी भी तीसरी गाड़ी खड़ी इधर, i20 अभी दो महीना पहले हुआ, इससे पहले एसयूवी हुआ, उससे पहले बीट फोर व्हीलर था, बहुत जल्द मर्सिडीज भी आ जाएगा। अरे क्या बात है, देख रहे एक से एक धमाका है ना, मर्सिडीज भी जल्दी जल्दी थोड़ा सा क्या बात है। तो मुरली बताओ कब मर्सिडीज आने वाली है, बहुत जल्द आ जाएगा है ना बहुत जल्द आ जाएगा, क्या बात है, देख रहे हो स्मार्ट वैल्यू का क्या करिश्मा है, वाह ऐसी बधाइयां अपने पूरा फैमिली से लेना, लो भाई थोड़ा पकड़ो, बस पकड़े रहना, बहुत बहुत बधाई हो शशि, वेल डन, थोड़ा सा आइए भैया, हमारा खाने का दिन है, क्या हल्का म्यूजिक पानी है क्या, चलो कर्टन हटा जा फटाफट,
तो बहुत चलो बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार एकदम ढोलक बजाइए एकदम। चलो कर्टन हटाया जाए, सभी लोग आ जाओ। हाँ म्यूजिक के साथ धातु म्यूजिक, वन टू अपने मम्मी को बैठाने जा रहे हैं, पापा को बैठाने जा रहे गाड़ी में पहला। बहुत खुशी हो रहा है भैया, बहुत खुशी हो रहा है भैया। ये देखिए अपने पापा को बैठाने जा रहे गाड़ी में, क्या बात है। वाह, आंटी को आगे आगे से बैठाइए, आगे से। अंकल बोलिए कैसा लग रहा है, आपका एक बेटा फॉर्चूनर में बैठाया, दूसरा बेटा हाँ क्रेटा में बैठा रहा, बताइए कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा, बढ़िया लग रहा है एकदम। और तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे हम, हमारे कुछ एसोसिएट को, अपने बच्चों को, हम लोग भी हैं और भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, सुन रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? तो यही कहना चाहते हैं कि हम एक किसान का हम है, किसान का बच्चा है, शशि बाबू और जितेंद्र बाबू, हम जो हैं उस सबको ऐसा शिक्षा दिए, पढ़ाई लिखाए, मेहनत किए हम, आज जो है हमको दिल का खुशी दिए। वाह, तो आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखे। और गार्जियन को क्या बोलना चाहेंगे, बहुत सारा गार्जियन जो है स्मार्ट वैल्यू करने से रोकते हैं, आपका क्या मैसेज है? क्या एक, नहीं नहीं रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, नहीं, ना कभी नहीं रुकना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, ताकि ऐसे अपने बच्चे जो है आगे बढ़ते रहे, है ना, माता पिता का सपना पूरा करते रहे, खुशियां देते रहे, है ना। आंटी बताइए, एक बेटा फॉर्चूनर आपको बैठाया, दूसरा बेटा 19 लाख रुपए क्रेटा में बैठा रहा है, कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है, आशीर्वाद बनाए रखे, है ना। बताइए अंकल जी, आपका दामाद इतना बड़ा अचीवमेंट किए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया। शशि आ जाओ, तो शशि भी सुना जाए, है ना, आ जाओ, मैसेज कुछ दे दो। ये है, कोई परिचय का मोहताज नहीं है बंदा, शशि बहुत ही हैंडसम गाय है, देखने में भी लग रहा है अच्छी पर्सनैलिटी भाई, एकदम मूवी वगैरह ट्राई करता तो कहीं हो सकता था। तो हैंडसम पर्सनालिटी और स्मार्ट वैल्यू में भी अच्छा से कार्य करते हैं, पिछले साल रूबी बने थे, है ना, कुछ स्टेप वजह से सफायर रुक गया था, इस साल में तो सफायर कंफर्म है एकदम। और इनकी ये सेकेंड कार है, इनका भाई सिंटो जी भी, वो भी सेरोलेट का बीट लिए थे, सेकेंड फॉर्चूनर, और ये इयोन लिए हैं सेकेंड गाड़ी क्रेटा 19 लाख रुपया का। तो मैसेज कुछ देना चाहो फटाक से। तो सबसे पहला चीज गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आज मुझे बहुत खुशी का दिन है मेरा, और जैसा अब इसी रूपया लाइव आ रहा है, मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि आज से कुछ साल पहले मैं इसी सिस्टम में आया था, और ये मेरा होम टाउन है हजारीबाग, और इसी हजारीबाग में मैं इंटर का पढ़ाई कर रहा था, इंटर कम्प्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन कर रहा था, उसी समय मेरे को स्मार्ट वैल्यू मिला, और थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे बड़े भाई जो आज स्मार्ट वैल्यू दिए मेरे को, क्योंकि हर इंसान सोचता है ना कि छोटा भाई को अच्छा करियर देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए अच्छा सोचे, इसके लिए स्मार्ट वैल्यू दिए। और स्मार्ट देने के बाद में मैं अगर बताऊं अपने फैमिली के बारे में, तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि रियलिटी अगर बताया जाए तो मेरे पापा जी फार्मर है, और फार्मर के घर में कैसा कंडीशन होता है बहुत अच्छा से सभी लोग जानते हैं। मैं इसी हजारीबाग में रहा करता था, और घर से 100-200 रुपया लेके आते थे, और किसी तरह पढ़ाई किया करते थे। तो पढ़ते पढ़ते मैंने इसी जगह पे मैंने सोचा कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में सिचुएशन थोड़ा ख़राब ज़्यादा हो गया,
तो स्मार्ट वीलू के लिए मैंने फिर जब मेरे बड़े भाई बताए तो मैं सिस्टम में आया। आने के बाद में आज भी मुझे वो दिन याद है कि मैं योकनी गली नंबर 4 यानी कि मेरा ऑफिस से करीब करीब 7 किलोमीटर डिस्टेंस, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया बहुत डिस्टेंस है कैसे आया जाएगा, मुझे आज भी वो दिन याद है कि 5 रुपया मेरे पास जेब में नहीं हुआ करता था। 5 रुपया की बात है जो अपने साइकिल का पंचर बना लिया और पैदल मैं 7 किलोमीटर आता था ट्रेनिंग लेने के लिए और 7 किलोमीटर फिर जाता था पैदल ट्रेनिंग लेने के बाद में। लेकिन एक दिल में जलन था, रोड वही था, गली वही है, चौक वही है, चौराहे वही है। मैं जब देखता था कि बगल से कोई गाड़ी से निकल रहा है तो मैं सोचता यार मेरा दिन कब आएगा। और देखते 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 मैंने इसी सिस्टम से एक नहीं दो नहीं तीन तीन बाइक मैंने खरीदा इसी स्मार्ट वैल्यू से। फिर काम करते करते आज वही पापा जो एक समय में साइकिल से घुमा करते थे, पापा को खुद का स्कूटी भी मैंने गिफ्ट किया है जो मेरे पापा भी चलते हैं स्कूटी में, इसी स्मार्ट वैल्यू से। फिर काम करते गए करते गए तो हर इंसान एक सोचता है कि लैपटॉप वगैरह होना चाहिए, लेकिन इसी स्मार्ट वैल्यू से एक नहीं दो नहीं तीन तीन मैंने लैपटॉप खरीदा स्मार्ट वैल्यू से। मोबाइल बहुत सारे हो गए क्योंकि घर में मोबाइल पहले हुआ नहीं करता था। और आज स्मार्ट वैल्यू को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मेरे पापा आज तक कभी प्लेन नहीं देखकर, मैं तो कभी सोचता था उड़ ऊपर देखता था अरे ऊपर से प्लेन जा रहा, खाना खाना छोड़ के छत पे चले जाते थे देखने के लिए। लेकिन स्मार्ट वैल्यू की वजह से इंडिया में कितने बार फॉरेन में घूमे वो एक अलग मैटर है कि इंडिया से बाहर फॉरेन एक नहीं 10-10 बार मैंने फॉरेन ट्रिप गया है। कौन सा कंट्री? थाईलैंड। थाईलैंड मेरा 3-4 बार हो गया। उसके बाद में मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई, ऐसे बहुत सारे जगह मैंने घूमने के लिए गया। और काम करते करते मेरा जो घर था वो छप्पर वाली घर था, तो मम्मी का उस छप्पर के घर की वजह से आंख में पड़ने के बाद में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो मैंने उस दिन कसम खाया था कि मेरे को घर ठीक कराना है, तो मैंने अपना पुराना घर भी थोड़ा सा ठीक ठाक किया। उसके बाद काम करते करते देखिए मेरे ये फर्स्ट फोर व्हीलर हुंडई का ईयोन खड़ी है जो आज से करीब 8 साल पहले इसी स्मार्ट वैल्यू से मैंने 5 लाख रुपए गाड़ी लिया था और गाड़ी को इस कदर रपटाया अभी करीब 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला हुआ है, 1 लाख किलोमीटर। और काम करने के बाद में जहाँ मेरा अगर छप्पर का घर था आज आलिशान 2 मंजिला बढ़िया जबरदस्त घर बना लिया बिकॉज स्मार्ट वैल्यू। और आज अगर खुशी की बात बोला ये जो मेरा गाड़ी है आज ये गाड़ी क्योंकि आज दिन जो है ना मैं अंदर से मैं बता रहा हूँ रियल जो है मैं रात भर सोया नहीं, मैं सोच रहा कब सुबह है कब सुबह पहुंचेंगे। तो आज मैं थैंक्स बोलूंगा इस गाड़ी को क्योंकि आज इस जो है एक इमोशन है इंसान गाड़ी खरीदना ना ये इमोशन अंदर से है और आज 19 लाख रुपए का गाड़ी खरीदे बिकॉज स्मार्ट वैल्यू। वो भी अभी बिगनिंग है, ये बिगनिंग अभी शुरुआत है, ये सब सारा चीज हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरा अकेला कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ मेहनत है। लेकिन सबसे बड़ा जो हम लोग का स्मार्ट वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो हम है, तो हमारा स्मार्ट वैल्यू के लिए मैं चाहूँ जोरदार क्लब होना चाहिए। और इसके बाद में हमारे जितने भी गुरु है आज यहाँ पे दो दो गुरु आए हैं, बाकी और भी गुरु हैं, मैं चाहूंगा एक बार सभी गुरु के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और साथ में सबसे बड़ा चीज आशीर्वाद जिंदगी में एक चीज बोला जाता है आशीर्वाद वो है मम्मी पापा का, तो आज यहाँ मम्मी पापा को खुशी बहुत लग रहा है गाड़ी में बैठाते हुए क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मेरे बड़े भाई भी 50 लाख का फोर व्हीलर में बैठाए थे, तो मैंने उसी दिन जलन खाया था कि आने वाला 6 महीना भी नहीं होने देंगे क्योंकि मुझे याद है कि 2014 में जनवरी को भैया गाड़ी निकाले थे 6 लाख का फोर व्हीलर और 1 महीना सिर्फ गैप करके फरवरी मार्च में मैंने दूसरा गाड़ी तुरंत निकाल दिया था अपने घर में और सेम भाई 4 महीना। मैं यही चीज बोलना चाहूंगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिंदगी में एक चीज सोचिए अगर किसी एरिया में किसी जगह में अगर टिकने से अगर दो दो भाई एक गरीब घर में 4-4 फोर व्हीलर हो सकता है, दो दो घर हो सकता है, फॉरेन ट्रिप हो सकता है, वाई नॉट आप क्यों नहीं कर सकते। क्या बात है। सिस्टम में सबसे बड़ा चीज है वो है टिकना। ये मेरा वाइफ भी है, बताओ ये वाइफ है हमारी अभी न्यूली मैरिड है, न्यूली मैरिड, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। और देखिए कई लोग दहेज का उम्मीद करता है, ये उल्टा अपने वाइफ को गिफ्ट कर रहा है, ताली होना चाहिए। बड़ी बात है भैया, मैं अभी बता दे रहा हूँ 19 फरवरी को मेरा एनिवर्सरी डेट है और ये गाड़ी जो है इसके पसंद से लिया गया और ये मैं एनिवर्सरी गिफ्ट कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। मैं एक ही चीज बोलूंगा जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं दिल खोल के काम कीजिए, डरना नहीं है, जो टिकेगा वही बिकेगा, हम लोग टिके हुए आज बिक रहे हैं और अभी तो शुरुआत हुई। भैया तुम मर्सिडीज ले रहे हैं बहुत, अरे जियो, मर्सिडीज वाले बंदा इधर है, वाह जियो मुरली जियो। अभी देखो 1.5 लाख का ये मोबाइल मिली, अभी देखिए 1.5 लाख का फोन, एक फोन और 1.25 लाख का पहले था, इससे पहले 1.25 लाख का मोबाइल था 10X, ये 14 लेटेस्ट मोबाइल है। क्या बात है,
और उसके बाद i20 भी है। i20 उधर है। होली में 1 लाख का फोन भी ले रहा हूँ, बुक हो चुका है। क्या बात आ जा रहा है होली में। गुड गुड गुड, ऑसम जियो। ऐसे पकड़ो इसे। तो मेरे तरफ से गिफ्ट है शशि, बहुत लकी हो, सही बता रहा हूँ, बहुत लकी हो, बहुत लकी है। 1 जनवरी को वैष्णो माता का दर्शन करने गए थे। अच्छा अच्छा। और उसमें से कुछ गिफ्ट लाए थे, तो उसमें पता नहीं, हमको भी नहीं मालूम था कहाँ है, 2-3 पीस बचा हुआ था, है ना। हाँ तो हो सकता ऊपर वाला तेरे लिए कर दिया था, ये वैष्णो माँ का गिफ्ट हमारे लिए। थैंक यू जी। पर्स में रखना, माता तुम्हारा जरूर बरकत करे, आप पूरे इंटायर टीम को बरकत करे। एकदम एकदम, सबका घर गाड़ी बंगला फ्लैट हो, क्यों भाई। yeah! लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी सभी का हो। मेरा माता से यही 1 जनवरी को बहुत लोग पिकनिक मनाते हैं, हम माता का दर्शन करने गए थे और माँ से ही मांगे, हमारे जितने इंटायर टीम है, पूरा स्मार्ट वैल्यू, पूरा स्मार्ट वैल्यू, जितने भी लोग हैं नियर डियर, पूरा स्मार्ट वैल्यू फैमिली, हर इंसान का सपना पूरा हो, ड्रीम एंड डिजायर पूरा हो। हाँ या ना। yes! आज हमको बताते हैं, बहुत फक्र महसूस हो रहा है, यही शशि को मैं देखा था छोटा में, और 2 भाई, इसके जो भाई है मिस्टर जितेंद्र प्रसाद, हम लोग साथ में पढ़ते थे यही हजारीबाग में, पता नहीं था यही हजारीबाग में साइकिल में चलते थे, लेकिन आज हमको फक्र होता है कि आज एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का 4-4 कार का मालिक है। मेरे पास इंडेवर बाहर खड़ी है, मुरली मेरे पास XUV मर्सिडीज आने वाली है, i20 लिए हैं, और ये बंदा भी ये सेकेंड गाड़ी लिया है, फॉर्चूनर। तो ये सब लाइफ जो है ना, हम लोग कोई बहुत बड़ा फैमिली बिलोंग नहीं करते, एक नॉर्मल फैमिली बिलोंग करने वाला बंदा, लेकिन प्लेटफॉर्म अगर सही हो ना तो जिंदगी बदल जाती है। हाँ या ना। yes! इसका लाइव एग्जांपल ये है कि शर्ट का एक बटन गलत लगा लो, शर्ट का एक बटन गलत ऊपर नीचे लगा लो, पूरा कमीज क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। हाँ या ना। yes! उसी तरह आज का युवा पीढ़ी जो है ना, 5 साल अपना क्या करता है न, फेसबुक में तो यूट्यूब में तो इधर उधर वेस्ट कर देता है। अगर वही 5 साल अगर सही जगह पे देगा ना, तो उसकी जिंदगी में काया कलप हो जाएगी, उसकी दशा और दिशा में बदलाव हो जाएगी। अरे स्मार्ट वैल्यू से लोगों ने प्रूफ किया है, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। विश्वास करो, जितने लोग भी देख रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा है वैसा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हमारा स्मार्ट वैल्यू 23 साल का है, 23 साल ऑलरेडी हो चुकी है। कितने साल जी? 23 साल। कोई तो पहला बर्थडे भी नहीं मनाता निकल जाता है। हमारा 23वां बर्थडे है स्मार्ट वैल्यू में। आया ना। yes! और हर दिन कुछ ना कुछ नया गाड़ी में आती है। yes! तो स्मार्ट वैल्यू में टिकेंगे तभी टिकेंगे। यही हजारीबाग है ना। और एक हमारा डायनेमिक लीडर है मिस्टर मुरली, आ जाओ, यही बंदक दिखाना जा रहा, देख रहे हो आप, यही हजारीबाग में 18 इंच के साइकिल में पैडल मार के चलता है, है ना। आज पैडल नहीं मारता, डिस्क ब्रेक मारता है। क्या जी, मैं i20 में, XUV में, और अभी मर्सिडीज में भी आने जा रही है। मर्सिडीज भी कितने का? मर्सिडीज 60 लाख का। 60 लाख रुपए का, 60 लाख्स की मर्सिडीज, तालियां होनी चाहिए यार। और मैं बता रहा हूँ, ये मुरली ऐसा आम इंसान नहीं है, 5 साल स्मार्ट वैल्यू में ये टीका है। 5 साल तक कई चैलेंजेस आया, भागा नहीं छोड़ के मार्केट। अब 5 साल के बाद ऐसा काम हुआ ना कि पूरा काया पलट हो गया, मूर शुद्ध सब कर लिया यहाँ से, है कि नहीं है। एक 5 साल के अंदर में 3-3 फ्लैट, हेलो, 3-3 फ्लैट यही हजारीबाग में, रांची में, लखनऊ में, 3-3 फ्लैट, 3-3 कार, और अपनी लैंड भी है, बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी भी है यहाँ पे भी है, करीब वो लैंड का कीमत है 1 CR 2 करोड़। अरे हमको मालूम भी नहीं था 2 करोड़ का एक प्रॉपर्टी भी यहाँ पे परचेज किया है। लेकिन ये इनिशियल में, शुरुआत में क्या था, इनिशियल में नहीं हो रहा था, बहुत लोग क्विट करके निकल जाता है, बहुत लोग हार मान जाता है, कोई ऑप्शन ढूंढ लेता है, नहीं भाई, टिकना है, रुकना है, जब तक इतिहास नहीं बने साला छोड़ के जाना नहीं है। जो टिकेगा, जो स्मार्ट वैल्यू समझेगा, वही इतिहास रचेगा, है ना। yes! जिसने स्मार्ट वैल्यू को समझो, समझ गया, उसका जिंदगी समझ गया, चमक गया। yes! आज देखो, समझ गया तो चमक गया। yes! Yes! चलो, बहुत बहुत बधाई हो। और मुरली तेरे लिए भी था ये बचा हुआ था। हाँ, तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, जो भी वीडियो देख रहे हैं, लास्ट यही बोलेंगे कैसे अचीवमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग याद रखना, अचीवमेंट बिकता है,
काम करते हो तो ड्रीम के साथ काम करो, और जब तक पूरा ना हो तब तक छोड़ना नहीं है। आया ना? यस। जय जय स्मार्ट वेलो। लव यू गाइस, लव यू।